सैकड़ों बरस लोग रह रहे हैं, बिहार से झारखंड बटा है, झारखंड से बिहार नहीं बटा है। आज जितने लोग बोलने वाले लोग हैं उनकी जन्म किस मिट्टी की है। इनके मंत्री लोग जब बयान दे रहा है उसका मुखिया तो है हेमंत सोरेन, फिर उसे लगाम क्यों नहीं लगाते हैं कि ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं आप? जो जनात्म से बयान दिए, जो आपको आईसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जो बयान दिए, सुदेश महतो का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में, झारखंड हुआ है, बिहार में जन्म का हुआ। आज कहते मगही भोजपुरी और मैथिली लोग घुस पे, झारखंड 24 जिला में 18 जिला जो है भोजपुरी मैथिली मगही अंगिका से प्रभावित है। 50-60% लोग जो है कि पूर्ण रूप से पर यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं सैकड़ों वर्ष से। संथाल में पूर्ण रूप से अंगिका लोग बोलते हैं, जिले हैं चाहे गोड्डा हो, देवघर हो, जामताड़ा हो, गिरिडीह हो, समझे ना, साहेबगंज हो, साहेबगंज तो भोजपुरी भी बहुत लोग बोलते हैं कई भी इलाकों में। आप पलामू गढ़वा लातेहार चलिए, प्योर भोजपुरी लोग बोलते हैं। कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, इंक्लूडिंग रांची हो गया, सब मगही और जो है कि आपको अंगिका वो लोग बोलते हैं। कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर के लोग हैं, 50 से 60 साढ़े 3 करोड़ में आप अंदाजा कर लीजिए। सभी जिलों में अगर शहरी इलाका हम ले लें तो सब जिलों में कम से कम 5 से 6 लाख लोग हैं। रांची से शहर में जो 15 लाख से ऊपर लोग हैं, जमशेदपुर देख लीजिए, धनबाद ले लीजिए, बोकारो ले लीजिए। आप कहते इन्वेस्टर बुलाएंगे, कैसे इन्वेस्टर बुलाइएगा? इस माहौल में कोई इन्वेस्टर आएगा क्या? देखिए, राज्य के लिए बहुत अफसोस की बात है कि कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। और फिर से 2002 जो 24 जुलाई की घटना हुई थी डोमेसाइल का, उस पार्ट टू जो है कि दोहराने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये इन लोगों की भूल होना चाहिए, 2002 को जो घटना हुआ था ये पूरा देश देखा था, और इन लोग बार बार कुरेदना का काम कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि झारखंड में लोकतंत्र में झारखंड संविधान से चलेगा कि जो है कि आपको बाहुबली से चलेगा? आप लोग को जो है यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? झारखंड का विकास कैसे होगा? आप चौमुखी विकास की बात करते हैं और लोगों को भड़काते हैं, क्या यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं बाहरी अतिबाहरी हो गए हैं? आप डायरेक्ट जो है कि घुसपैठिया कहते हैं, ये तो संविधान में अमर्यादित भाषा है, आप अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हो। घुसपैठिया का मतलब क्या होता है? घुसपैठिया का मतलब आतंकवादी उग्रवादी होता है। और जो यहाँ बिहार के रहने वाले लोग हैं वो आपको घुसपैठिए हैं, इसका करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम लोग निजी तौर पर मानव मानव की लड़ाई नहीं हो सकती है और दानव बनाने की कोशिश न करें। सैकड़ों बरस लोग रह रहे हैं, बिहार से झारखंड बटा है, झारखंड से बिहार नहीं बटा है। आज जितने लोग बोलने वाले लोग हैं उनकी जन्म किस मिट्टी की है? आज यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं, रहने वाले कर्मचारी हैं, ये कौन है? माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री और अपोजिशन के जो लोग हैं उनके साथ में रहने वाले कौन है? इसलिए उसी राजनीति न करें और राज्य को आग लगने से बचाएं। अच्छा, यहाँ का जो इलाका है, अलग अलग पॉकेट है, वो भोजपुरी या फिर इनसे अफेक्टेड भी है? देखिए, उन भाषाओं का प्रभाव यहाँ पे भी देखने, आप लोगों को भी संज्ञान में होना चाहिए कि झारखंड 24 जिला में 18 जिला जो है भोजपुरी मैथिली मगही अंगिका से प्रभावित है। 50-60% लोग जो है कि पूर्ण रूप से पर यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं सैकड़ों वर्ष से। संथाल में पूर्ण रूप से अंगिका लोग बोलते हैं, गोड्डा वगैरह में, गोड्डा पूरा पूरा संथाल की बात मैं कर रहा हूँ। जितने भी जिले हैं चाहे गोड्डा हो, देवघर हो, जामताड़ा हो, गिरिडीह हो, समझे ना, साहेबगंज हो, साहेबगंज तो भोजपुरी भी बहुत लोग बोलते हैं कई भी इलाकों में। आप पलामू गढ़वा लातेहार चलिए, प्योर भोजपुरी लोग बोलते हैं। कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, इंक्लूडिंग रांची हो गया, सब मगही और जो है कि आपको अंगिका वो लोग बोलते हैं। तो इस टाइप से जो है आपका जो वातावरण व्यवहार हो रहा है और सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं जो है कि लोगों को 2002 याद आ रही है। लेकिन हम लोग भी सजग हैं और निजी हमला अगर होगा तो ये जो है कि बहुत ही जो है कि इसका दूरगामी परिणाम होगा और अशांति का माहौल पैदा होगा। हम सरकार से अपील करते हैं, मांग करते हैं कि इस पर इमीडिएट रोक लगाइए। कितना जनसंख्या होगा लगभग इन भाषा को बोलने? कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर के लोग हैं, 50 से 60 साढ़े 3 करोड़ में आप अंदाजा कर लीजिए। सभी जिलों में अगर शहरी इलाका हम ले लें तो सब जिलों में कम से कम 5 से 6 लाख लोग हैं। रांची से शहर में जो 15 लाख से ऊपर लोग हैं, जमशेदपुर देख लीजिए, धनबाद ले लीजिए, बोकारो ले लीजिए। आप कहते इन्वेस्टर बुलाएंगे, कैसे इन्वेस्टर बुलाइएगा? इस माहौल में कोई इन्वेस्टर आएगा क्या? अच्छा ठीक है, और भी कुछ लोगों से बात करते भाई। आप लोग यहाँ यहीं के अगर रहने वाले हैं तो हम लोग ये जानना चाहेंगे, जैसे अगर मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज नहीं रहेगा सेकंड पेपर में,
तो आखिर नौकरी कहाँ कैसे मिल पाएगी? पहली बात यह है कि सरकार जो वुमेन सेल बनी उसमें मगही भोजपुरी मैथिली सबका योगदान है और इस सरकार इसलिए बनी कि चौमुखी विकास करेंगे, लेकिन ईश्वरी जा रहे हैं न इनकी इनके सेहत के लिए अच्छा है न ये राज्य के लिए अच्छा है, दोनों की सेहत के लिए खराब है और इनके इन पर लगाम लगाना चाहिए। यहाँ ऑलरेडी था ये पेपर, उसको हटाया गया जैसे हिंदी और वो सब जो है ऑलरेडी था, तो फिर अचानक से कैसे आप सीखेगा? वो तो कहीं सीखने का कोई स्कूल भी इनके मंत्री लोग जो बयान दे रहा है उसका मुखिया तो है हेमंत सोरेन, फिर उसे लगाम क्यों नहीं लगाते हैं कि ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं आप? जो जनात्म से बयान दिए, जो आपको आईसु के सुप्रीमो सुदेश महतो जो बयान दिए, सुदेश महतो का जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में, झारखंड हुआ है, बिहार में जन्म का हुआ। आज कहते मगही भोजपुरी और मैथिली के लोग घुसपैठी है, गलत भाषा के ये कर रहे हो और इससे झारखंड का विकास नहीं होगा, न झारखंड का विकास होगा न इसमें चौमुखी विकास हो पाएगा, झारखंड ऐसे रह जाएगा। रघुवर दास ने पिछली सरकार ने इस पर कानून बनाया, हाँ बिल्कुल, और क्षेत्रीय भाषा द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया, माननीय राज्यपाल ने इसको अनुमोदन भी कर दिया, ये कानून बन गया। अब उसको आप पुनः छेड़छाड़ करके हटाने की बात करके आग लगाने की आप काम कर रहे हैं, लोगों को उन्माद फैला रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, तो ये नहीं सफल होगा। ठीक, आपको मैं बता दे रहा हूँ, किसी सूरत पर द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1932 के खतिहान की बात करने वाले लोग ये मानसिकता अपना दिमाग से हटा दे। उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ का मापदंड तय करे झारखंड का आपको स्थानीय नीति का, आ नहीं तो जो, जो राज्य का जो स्थापना वर्ष हुआ उसको मापदंड करे। ये हम लोग का भोजपुरी मैथिली अंगिका और जो है कि मगही मंच के तरफ से मांग है।